नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। देर रात जिस शख्स से सुमित श्रीवास्तव के मोबाइल फोन पर बातचीत हुई, उसकी पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी ली गई है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पलामू जिला कोषाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव 25 वर्षीय की हत्या कर दी गई। सुमित की कनपटी के नीचे तेज धारदार नुकीला हथियार से गोदकर हत्या की गई है। शव NH98 मेदिनी नगर औरंगाबाद मुख्य पथ पर हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप पहाड़ी मंदिर जाने वाले मोड़ पर उनकी कार से बरामद किया गया। घटना के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में जहां आक्रोश है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस हत्याकांड के विरोध में रविवार को हरिहरगंज बाजार बंद रखा जाएगा। भाजयुमो नेता सुमित श्रीवास्तव हरिहरगंज के निवासी थे। सुमित श्रीवास्तव के पिता अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि शनिवार रात 10:30 बजे रविवार के सभी सदस्यों ने एक साथ भोजन किया और प्रत्येक दिन की तरह सुमित श्रीवास्तव अपने छोटे भाई जतिन श्रीवास्तव के साथ घर से 100 मीटर दूर अपने अमृत रात करीब 12 बजे के आसपास सुमित अपने छोटे भाई जतिन श्रीवास्तव को जानकारी देकर कार से निकले, लेकिन वह वापस लौट कर होटल नहीं आए। रविवार की सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों ने सुमित श्रीवास्तव को उनकी कार के अंदर देखा। कार लॉक थी। संदेह होने पर इसकी सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को दी गई। तभी वहां पर पहुंचे और सुमित को कार से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए। यहां डॉक्टर अरविंद ने सुमित श्रीवास्तव को मृत पाया। डॉक्टर ने बताया कि सुमित की कनपट्टी के नीचे नुकीला तेज धारदार हथियार से गोदकर उसकी हत्या की गई है। हालांकि कार में जिस जगह पर सुमित का शव देखा गया, वहां थोड़ा बहुत खून बिखरा पड़ा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुमित की हत्या कहीं और की गई है और फिर प्लानिंग के तहत उन्हें कार में बैठा कर लॉक कर अपराधी निकल गए होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।